इन सारे वीडियोस एकदम एक धमाका ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें देखा है और बाकी में इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है, बहुत अच्छी बात है। एनालिसिस पार्ट, दो पार्ट हम लोगों ने अपलोड किए हैं, जो दूसरा पार्ट है उसको हम थोड़ा करेक्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। निम्सेट एनालिसिस चार्ट का ये रीजनिंग का पार्ट है जो पहले अपलोड किया गया था, वहाँ पर जो टोटल ग्रैंड टोटल आप पजल का 117 दिखाया गया था, आप वहाँ देख सकते हैं। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पर पहले वाले में 14 था, जबकि एक्यूरेट क्या है, लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन ही पजल के आए थे, तो उसमें 10 क्वेश्चन कम होंगे तो 107 टोटल बनेगा। और क्लॉक के ग्रैंड टोटल जो था यहाँ पर 11 कर लें, आप उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़, बहुत ज़्यादा मिसलीड कर सकती हैं। जिन बच्चों ने पार्ट सेकेंड के बारे में, रीजनिंग के पार्ट के बारे में हमें इन्फॉर्म किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बात को मतलब उनसे कहूँगा कि अगर आप मेरे करीब होते तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, फिर भी आप माने मेरी बात सुन रहे हैं तो अप्रिशिएशन है। कोई भी गलती को सुधारना, गलती करना और उसको एक्सेप्ट करना, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और जो आपकी वजह से सुधार हो रही है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरी बात को सुनते हैं, तो ऐसा दोबारा फिर से प्रयास करेंगे, नहीं होगा बट आप इन्फॉर्म करते रहें। चार्ट को ध्यान से देख लें, निम्सेट के रीजनिंग पार्ट को हमने यहाँ पे दिखाया है, और निम्सेट में एक इन्फॉर्मेशन और भी हम शेयर करना चाहते हैं कि निम्सेट एक बड़ा एग्ज़ाम बनता जा रहा है, क्योंकि पिछली बार दो कॉलेज जुड़े थे, SPTU और हैदराबाद SCU सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इस बार अभी शायद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आई है कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी इस बार निम्सेट के थ्रू ही काउंसलिंग कराएगी, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है। बहुत सारे कॉलेज जब एक बड़े से एग्ज़ाम में जुड़ जाते हैं तो आपको कॉलेज के जो अलग अलग नोटिफिकेशन से पैसा आपका लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है, आना जाना लगता है, बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, वो हेडेक ख़त्म होकर एक एग्ज़ाम कौन बनेगा, उससे बच्चों के लाइक एग्ज़ाम का देना और उनकी फ़ीस का रजिस्ट्रेशन वो कम होगा, और एक अच्छा एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से कॉम्पिटिशन में तैयारी कर पाएंगे। और जब भी कोई बात ऐसी आती है, जैसे इस तरीके के वीडियोस आते हैं, जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो उससे बेनिफिट स्टूडेंट का होता है और एक ट्रेंड चलता है, एक ट्रेंड निकल के आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं क्रिएटर हूँ, इस चीज़ का क्रिएटर हूँ, बहुत सारे लोग देखना कि इस तरीके से वो लगे कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, तो आपको कुछ दिन बाद एक अच्छे से वीडियोज़, अच्छी सी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिससे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक क्रांति आए, एक ऐसा कुछ ना कुछ हो जरूर, जिससे कि एक स्वस्थ कॉम्पिटिशन हो, जो मेंटर्स हैं जो मेरी बात को सुनते हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई भी जिस फील्ड में होता है वो एक्सपर्ट तभी होता है जब सारी चीज़ों को देखता है, बट उसका परसेप्शन, उसका एंगल बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ें अच्छी हैं तो आप भी लेके आइए, जो भी दे सकता है स्टूडेंट्स को वो दे, और स्टूडेंट्स को भी अच्छे तरीके से सीखना चाहिए। ये वर्चुअली हम लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आपको लगता है बहुत सारे जैसे बच्चे बोलते हैं कि शुरुआत में ऐसा होता था कि इन सारे वीडियोस को ऐसे इसलिए डाला जाता कि व्यूज़ बढ़ जाए। भाई YouTube पे आप लोग वीडियो बनाते होंगे या तो बहुत लोग बना लेते हैं, बट रियल में सही तरीके से जो वीडियोस बनाए जाते हैं उसमें बहुत सारी मेहनत लगती है, एक एक दिन जाया होता है। एक बार आपको, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, हो सकता है कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मतलब पूरे दिन क्लास पढ़ाने के बाद लास्ट में जब बिल्कुल एनर्जी लो हो तो हम बना रहे हो, और एक कैमरे को फेस करना, केवल कैमरे को पढ़ाना और क्लास को पढ़ाना बहुत अलग बात होती है, ठीक है। तो कितना पेशेंस रखते होंगे वो लोग भी, तो जो भी मेहनत करता है, जिस लेवल मेहनत करता है, मुझे लगता है कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ बिल्कुल ना करें। अच्छा कुछ भी, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहा है वो, तो जो भी लोग इस फील्ड में भी कर रहे हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मारला क्लासेस को आपने अच्छे मुकाम तक पहुँचा रहे, उन सारे बच्चों को भी ढेर सारा प्यार, और ऐसे इस टाइप की इन्फॉर्मेशंस कोशिश मैं करता रहूँगा कि अच्छे लेवल पे दे पाऊँ। आप फीडबैक जरूर दें कि इन सारी चीज़ों से आप कितना इफेक्टेड होता है, कितना आप पॉजिटिवली ले लेते हैं, और कौन सी बातों पे इन्फॉर्म किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद सारे लोगों को।